विदिशा जिले के पठारी में एक अजीब गरीब मामला सामने आया है, जहां मात्र 80 रुपये की उधारी की वसूली को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल युवक को 3 गंभीर चोटें आई। पुलिस ने आरोपियों पर प्राणघातक हमला का प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। थाना प्रभारी दीपक राठौर ने बताया कि मुख्य बाजार स्थित झंडा चौक के समीप पठारी निवासी रोहित यादव पुत्र राजू यादव को मथुरापुरा निवासी रंजीत अहिरवार से 80 रुपये की उधारी लेना थी, जिसकी वसूली के लिए दोनों के बीच में विवाद हो गया। फरियादी रंजीत अहिरवार ने कुछ दिन बाद 80 रुपये देने की बात कही थी, जिससे नाराज होकर रोहित यादव ने रंजीत अहिरवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। थाना प्रभारी दीपक राठौर ने यह भी बताया कि रोहित यादव ने रंजीत अहिरवार के सीना, गर्दन के पीछे और हाथ के बाजू पर कुल्हाड़ी से 3 वार किए हैं। जानकारी लगते ही थाना प्रभारी दीपक राठौड़ ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर चोट होने के कारण पठारी से विदिशा रेफर किया गया, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपी रोहित यादव पर प्राणघातक हमला भारतीय दंड संहिता 307 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।